विक्रम लैंडर आप देखेंगे कि जो हवा में, और वो शिव शक्ति पॉइंट पर उतरेगा, उसके पीछे पृथ्वी और उसके पीछे सूर्य है, और पूरे चंद्रमा के धरती पर जगत जननी माँ जगदम्बा परम्बा आशीर्वाद के मुद्रा में। भारत में बिहारियों के प्रति जो भेदभाव बरता जाता है, बिहारियों के प्रति ये हे दृष्टि देखा जाता है कि बिहारी है, तो उन लोगों के लिए भी एक ऐसा मैसेज है कि हम बिहारी हैं, जो एक बार ठान लेंगे तो चंद्रमा पर भी अपना मुकाम हासिल कर। बहुत सारा हम लोगों ने पंडाल देखा, और आप जैसे लोग भी सारे लोग बहुत सारा पंडाल देखे होंगे बिहार में, लेकिन बताइए कि आखिर जो है कि आप लोगों ने कुछ अलग क्रिएटिविटी की है, इसको कितना समय लगा इसको तैयार करने में? लगभग 15 दिन, 15 से 20 दिन। अच्छा, खर्च कितना लगा? खर्च लगभग 4 से 5 लाख रुपया, 4 से 5 लाख 4 से 5 लाख जी। अभी हम बक्सर में है, आप लोगों को बता दें मित्रों, और ये बक्सर का जो है कि दुर्गा पूजा का पंडाल है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बक्सर का दुर्गा पूजा का पंडाल है, और बक्सर के नई बाजार की ये पूरी कमेटी है, और ये जो दृश्य देख रहे हैं ये चंदा मामा, उसके बाद जो है कि पृथ्वी है, और उसके बाद जो है कि आप देख रहे हैं कि सूर्य भगवान है। ये दृश्य जो है कि बहुत ही अद्भुत है, और ये दृश्य जो है कि बहुत ही अच्छा है। ये देख सकते हैं कि मून का दृश्य बनाया गया है, पृथ्वी का, और उसके बाद जो है कि सूर्य भगवान का दृश्य बनाया गया, और ये कमाल करने वाली यही टीम है, और यही टीम के लोग है। आखिर इन लोगों के मन में ऐसी क्रिएटिविटी आई कैसे, और क्या सोच के इन्होंने जो है कि एक अलग, आप लोगों ने बहुत सारा दुर्गा पूजा पंडाल देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा अलग नहीं देखा होगा और अद्भुत नहीं देखा होगा। इन लोगों का हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या सोच के जो है कि ऐसा पंडाल बना डाला, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपकी सारी टीम का जो है कि पूरे कमेटी का बहुत बहुत जो है कि स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या सोच के हम लोगों ने इस तरीके का पंडाल बनाया। नहीं देखिए, ये पूछने के पीछे रहस्य ये है कि बहुत सारा हम लोगों ने पंडाल देखा, और आप जैसे लोग भी सारे लोग बहुत सारा पंडाल देखे होंगे बिहार में, लेकिन बताइए कि आखिर जो है कि आप लोगों ने कुछ अलग क्रिएटिविटी की है, इसके पीछे जो है स्टोरी क्या है, आप लोगों ने क्या सोचा, क्यों ऐसा क्रिएटिविटी किया? जैसा कि आपको बता दें कि हर साल बाल नव दुर्गा पूजा समिति के ये पूरी टीम जो है, समर्पित टीम है, ये सभी पढ़ने वाले और अपने ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो हर साल कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इस बार जैसे भारत ने पूरे विश्व में अपने गौरव गाथा का कृति लहराया है, जैसे पूरे विश्व पटल में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके, उसको देखते हुए बाल नव दुर्गा पूजा समिति ने यह तय किया कि आज हम एक भारत को, एक पूरे समाज को एक नया मैसेज देंगे। जैसे आपने देखा कि पिछली बार हमने श्मशान भूमि में माँ दुर्गा को स्थापित करके यह लोगों को मैसेज देने का काम किया कि आप अपने जीवन के आखिरी क्षण में इसी जगह पर आएंगे। उसी तरीके इस बार हम लोगों ने, भारत ने जो पूरे विश्व में एक अनोखा, एक अलौकिक, एक अद्वितीय, एक अविस्मरणीय इतिहास कायम किया कि सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर जो शक्तिमान, जो शिव शक्ति पॉइंट पर जहां उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया, और सफलतापूर्वक जिसने जिस जगह पे और जिस पॉइंट पे जो है कि चंद्रयान 3 उतरा, तो मोदी जी ने नाम रख दिया कि शिव शक्ति पॉइंट। ये समझिए कि वो एक शहर बस गया, शिव शक्ति नगर के लोग बोल रहे हैं, और शिव शक्ति नगर से जो है कि वहां पे चंद्रमा पे जो है कि शहर बसा दिया गया है अभी से। तो आप लोगों ने और आपकी ये पूरी युवा टीम ने ये लोगों को जो है कि बताने के लिए किया कि सारे लोगों को मालूम चल जाए कि शिव शक्ति पॉइंट जो है कि अब चंद्रमा पे भी बन गया है, सही बात है? बिल्कुल, और भविष्य में इसको ये देखा जा सकता है कि अब वहां भी जीवन की कल्पना की जा सकती है, हम वहां भी एक नए शहर का निर्माण कर सकते हैं और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। देखिए, ये बिहार है, और बिहार में क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, और बिहार में मुश्किल काम भी जो है, और बिहार के युवा दिखा देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग जो है कि सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे जीवन यापन करने के बारे में सोच रहे हैं, तब तक ये लोग जो है कि चंद्रमा को नीचे उतार दिया है, लेकिन जो है कि जीवन यापन वहां पे करके रहेंगे, इसका मतलब ये है। बिल्कुल, बिहार पूरे विश्व में, बिहार पूरे भारत में सबसे प्रतिभाशाली बिहारियों की चर्चा हर समय रहती है, और ये भी मैसेज है कि पूरे भारत में बिहारियों के प्रति जो भेदभाव बरता जाता है, बिहारियों के प्रति ये हे दृष्टि देखा जाता है कि बिहारी है, तो उन लोगों के लिए भी एक ऐसा मैसेज है कि हम बिहारी हैं, जो एक बार ठान लेंगे तो चंद्रमा पर भी अपना मुकाम हासिल कर। हम बिहारी हैं, और बिहारी जब पहाड़ का सीना तोड़ के रास्ता बना सकता है,
माझी जी देता तो ऐसा जो है कि दृश्य देखने को क्यों नहीं मिलेगा। और एक बार आप ये बता दीजिए, जो आप लोगों ने ये दृश्य दिखाया है, लैंड रोवर जो है, चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है, एक बार अच्छे तरीके से आप अपने तरीके से बताइए और दिखा के जो है कि हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए कि आप लोगों ने क्या चित्रण किया है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यह पूरा चंद्रमा है, चंद्रमा के नेपथ्य में यानी कि पीछे एक भूमि है जो चंद्रमा पर भूमि को दिखाया गया है, बगल में विक्रम लैंडर आप देखेंगे कि जो हवा में, और वो शिव शक्ति पॉइंट पर उतरेगा, उसके पीछे पृथ्वी और उसके पीछे सूर्य है, और पूरे चंद्रमा के धरती पर जगत जननी माँ जगदम्बा परम्बा आशीर्वाद के मुद्रा में, ऐसा आप देखेंगे कि माँ विश्राम के मुद्रा में और चंद्रमा से पृथ्वी के लोगों को यह आशीर्वचन दे रहे कि तुम निश्चिंत रहना, तुम दुनिया के किसी कोने में रहोगे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और अच्छा आप लोग बताइए,